जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, आप लोग आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, शहद का प्रयोग हर घर में होता है क्योंकि यह ऐसी चीज है जो स्वास्थ्य के खजाने से भरी हुई है। शुद्ध शहद में विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और अमीनो एसिड होता है जो बात और कफ को नियंत्रित करता है तथा रक्त व पित्त को सामान्य रखता है। शहद नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, प्यास को शांत करता है, कफ को घोलकर बाहर निकालता है और शरीर में विषाक्तता को कम करता है। इतना ही नहीं, यह मूत्र मार्ग में उत्पन्न व्याधियों तथा निमोनिया, खांसी, डायरिया, दमा आदि जैसी बीमारियों में लाभप्रद साबित होता है। कुछ लोग शहद का सेवन सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्हें डर लगता है कि उनके द्वारा खरीदा गया शहद शुद्ध होगा या नहीं। बाजार में शहद खरीदने जाओ तो हर ब्रांड 100% शुद्ध शहद देने की गारंटी देता है, पर हम यह कैसे मान लें कि यह शहद शुद्ध है? तो आज हम आपको बताएंगे कि शुद्धता और अशुद्धता की जांच और उसकी गुणवत्ता को परखने का तरीका। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम आज आयुर्वेद समाधान में ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से शुद्ध शहद की पहचान कर सकेंगे। इसके लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। नंबर एक, पानी से जांचें शुद्धता। जी हाँ, आप एक गिलास पानी में चम्मच भर शहद डालें। अगर शहद पानी में बैठ जाए तो यह शहद शुद्ध है और अगर नीचे बैठने से पहले ही पानी में घुल जाए तो जान लीजिए ये मिलावटी है। नंबर दो, आग से आप जांच कर सकते हैं। कैसे करें? आप एक मोमबत्ती जलाएं और एक लकड़ी में रुई लपेटकर उस शहद पर लगाएं। फिर इस शहद लगी हुई रुई को आग के ऊपर रखें। अगर रुई जलने लगे तो शहद शुद्ध है, नहीं तो शहद में पानी मिलाया गया है। आप तीसरा एक तरीका है, टिश्यू टेस्ट कर सकते हैं आप। इस टेस्ट को करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर लें, फिर उस पर कुछ बूंदें शहद की डालें। अगर उसमें कुछ अशुद्धता होगी तो वह पेपर उसे सोख लेगा और शुद्ध शहद पेपर पर ही रहेगा। नंबर चार, आप कपड़े के जरिए भी टेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक कपड़े पर कुछ बूंदें शहद की डालें, यह अशुद्ध शहद को सोख लेगा। इसके अलावा कपड़े पर शहद लगाकर धो दें, अगर दाग पड़ गया तो शहद अशुद्ध है वरना शुद्ध है। आप गर्म करके भी पता लगा सकते हैं। पांचवा तरीका है, गर्म करके कैसे पता लगाएंगे कि अगर शहद को गर्म किया जाए तो वह गाढ़ा हो जाएगा, पर अगर शहद अशुद्ध है तो उसमें बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे। आप छठवां एक टेस्ट है, वो भी कर सकते हैं, ब्रेड पर टेस्ट। वो कैसे करेंगे आप? आप इसे ब्रेकफास्ट के समय आजमाएं। शहद को जब ब्रेड पर डालेंगे तो वह कठोर हो जाएगा। अगर शहद में कोई अशुद्धता होगी या शहद नकली होगा तो ब्रेड नरम और गीला ही रहेगा। सातवां तरीका है, आप शहद की महक के जरिए भी पता लगा सकते हैं। अगर शहद शुद्ध नहीं है तो वह गंध मारेगा, साथ ही इसमें आपको सफेद रंग का पदार्थ तैरता हुआ दिखेगा। अच्छा होगा कि इसे तुरंत फेंक दें। शुद्ध शहद में एक हल्की महक आती है जो सूंघने पर बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। नंबर आठवां तरीका है कि जिसे आप इस मौसम में पता लगा सकते हैं कि सर्दियों में शहद जम जाता है। शुद्ध शहद सर्दियों में जम जाएगा और गर्मियों में पिघल जाएगा। तो जाना दोस्तों आपने कि शहद की शुद्धता परखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर पर ही इसके असली नकली की पहचान कर सकते हैं। अगर शहद शुद्ध है तो इसके नियमित और उचित मात्रा में उपयोग करने से शरीर सुंदर, बलवान, स्फूर्तिवान बनता है और दीर्घ जीवन प्रदान करता है। शहद को घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। प्रातःकाल शौच से पूर्व शहद नींबू पानी का सेवन करने से कब्ज दूर होता है, रक्त शुद्ध हो जाता है और मोटापा कम होता है। जीवन मंत्रा में बस आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।